Hello everyone, I am the teacher for this question. Question is, find the zeros of the following quadratic polynomials by factorization method and verify the relationship between the zeros and coefficient of the polynomials. हमें quadratic polynomials दे रखे हैं, ठीक है, जिनको हमें factorization method से हमें क्या करना है, इनके zeros find करना है और हमें उनको verify करना है, उनके रिलेशनशिप को किस किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. चलिए सॉल्व करते हैं इनको. तो हमें दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + 7/2x + 3/4. ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसी के जीरोज फाइंड करना है. तो यहाँ पे 7/2x को हमें दो ऐसे नंबर्स में हमें बांटना है कि उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 7/2x. हम यदि उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, 3/4 × 2x² के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए. तो हम इसको लिख सकते हैं 2x² + 6/2x + x/2 + 3/4. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6x/2 में x/2 ऐड करेंगे 7x/2, 6x/2 को x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ रहा है, 6x² / 4, जो कि किसके इक्वल है, 3/4 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, 6x² / 4. ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचा, x एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3/2. ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास 1/2. तो यहाँ पे कॉमन क्या बचेगा, x एंड यहाँ पे कॉमन क्या बचेगा, 1/2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बचेगा 3/2. अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x + 3/2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x + 1/2. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इनके जीरोज फाइंड करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, x + 3/2 किसके इक्वल होगा, 0 के, या फिर 2x + 1/2 किसके इक्वल होगा, 0 के. तो हम बोल सकते हैं, सो द जीरोज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर किसके इक्वल होगा, या तो x + 3/2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के, एंड या फिर 2x + 1/2 को किसके इक्वल रखेंगे हम, 0 के. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से दो जीरो आएंगे क्योंकि हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x = -3/2, एक तो जीरो ये आ गया हमारे पास, एंड सेकंड दूसरा जीरो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x = -1/2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4. ठीक है, तो हमारे पास दो जीरोज आ चुके हैं. ठीक है, क्या क्या आए हैं हमारे पास, x = -3/2, एंड दूसरा जीरो क्या आया हमारे पास, -1/4. ठीक है, हमें इनको वेरीफाई करना है, इन जीरोज की वैल्यूज को वेरीफाई जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. तो हम क्या करेंगे,
सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे इनका, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें सम ऑफ जीरोज, तो इन दोनों जीरोज का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो ये कितना आएगा, माइनस थ्री बाई टू को किस में ऐड करेंगे हम, प्लस माइनस वन बाई फोर में। ठीक है, और हमें यहाँ पे इधर देखेंगे हम इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सेवन बाई टू, एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, सेवन बाई टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, टू। ठीक है, अब देखिए इनको हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है एलसीएम इनका, फोर। ठीक है, तो यहाँ को फोर को टू से डिवाइड करेंगे, टू टाइम्स, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का सिक्स, एंड यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का वन। ये कितना आ रहा है, माइनस सेवन टू मल्टीप्लाई बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, माइनस सेवन बाई फोर, एंड इधर भी राइट हैंड साइड भी क्या आ गया, सेवन बाई फोर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स जो ये हमारे हमने जीरोज फाइंड किए हैं वो क्या है, करेक्ट हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, दूसरा और भी तरीके से इसको वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इसको फाइंड करेंगे, इसको सेकंड हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव रूट टू एक्स माइनस थ्री, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है हमें, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव रूट टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको पहले फैक्टर कर रहे हैं इसके, तो हम इसको लिख सकते हैं फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है इनमें से, इनमें से कॉमन आ रहा है दोनों में से टू रूट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट टू एक्स, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस थ्री, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस वन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट टू एक्स प्लस थ्री। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, हमारे पास कॉमन आ रहा है रूट टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बचा, टू रूट टू एक्स एंड माइनस वन। ठीक है, ये हमने इसको क्या कर लिया, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर कर लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसके जीरोज, तो हम बोल सकते हैं सो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल आर क्या हो जाएंगे, या तो रूट टू एक्स प्लस थ्री इजिकल टू क्या होगा, जीरो होगा, एंड दूसरा जीरो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें टू रूट टू एक्स माइनस वन इजिकल टू जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो इसके दो जीरोज फाइंड होंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से लिख सकते हैं हम रूट टू एक्स इजिकल टू माइनस थ्री, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी,
माइनस थ्री डिवाइड बाई रूट टू। ठीक है, एक तो जीरोज की वैल्यू ये आ गई, दूसरा जीरोज की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से लिख सकते हैं हम टू रूट टू एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू वन अपॉन टू रूट टू। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए नाउ वेरीफाई वेरीफाई जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स, तो हम क्या करेंगे इनका सम फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए सम ऑफ जीरोज, तो हमारे पास दोनों जीरोज का हम सम कर देंगे, माइनस थ्री अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन टू रूट टू। ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है इसमें, फाइव रूट टू, फाइव रूट टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, फोर। ठीक है, डिवाइड बाई फोर, तो हम यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, टू रूट टू। ठीक है, टू रूट टू को रूट टू से हम डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड होगा, टू टाइम्स। ठीक है, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का सिक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा, वन इज इक्वल टू माइनस फाइव रूट टू डिवाइड बाई फोर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, माइनस सिक्स प्लस वन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का फाइव डिवाइड बाई टू रूट टू। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में फोर है, तो हम इसको क्या करेंगे, रूट टू से इसको मल्टीप्लाई करा दिया एंड रूट टू से ही हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस फाइव रूट टू डिवाइड बाई फोर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस फाइव रूट टू, अब रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू, एंड टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या आ गया हमारे पास, फाइव मल्टीप्लाई बाई रूट टू डिवाइड बाई फोर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे राइट हैंड साइड के, इट मीन्स जो हमने जीरोज फाइंड किए हैं वो क्या हैं, करेक्ट हैं। हैंस हैंस सॉल्वड 8. Thank you.